अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, मैं फटाफट से आया हूँ ऊपर, तो लॉक खोल लेते हैं। गाइस, अभी मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, जो कि कल लेके आया था, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया गाइस, क्योंकि रात हो गई थी और रात में गया था लेने के लिए। मैं किसी से मैंने पता किया था, तो उसने मुझे बताया था गाइस, मुझे बहुत सस्ते में चीज़ मिल गई है, काफ़ी बढ़िया और अच्छी चीज़ मिली है मुझे। तो गाइस, मैं फटाफट से भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। पहले ना मैं इनको खोल के देख लूँ कि सब कुछ सही सलामत है ना। कल पीटा था एक कबूतर को बहुत बुरी तरह से। चलो शुक्र है सब कुछ सही सलामत है, मुझे तो लगा था मारी डाली। गाइस, कल बहुत बुरी हालत हो गई थी एक कबूतर की, तो वो था ये, देखो उसकी आँख की नोची, देखो ये देखो, दिख रही खूनी आँखें, ये देखो ये देखो। तो इसको ऐसा बुरी तरह से मारा था इसने, मैं दिखाता हूँ, वो कबूतर भी इसने मारा था, वो पिलखा जो अंदर है ना, पिलखा कबूतर उसने मारा था। तो गाइस, इसलिए बेदम कर दिया था उसने। अरे यार क्या कर रहे हो, अंडे अपने बैठने का तुम लोग? भाई साहब इन्होंने अंडे देखो तो फेंक रखे, कोई बात ही नहीं है भैया, तुम अंडे ना दिया ही मत करा करो, ये तुम्हारी ना ये हरकतें अच्छी लगती। गाइस, कौन कहता है ये पुराने कबूतर अंडों पे बैठते, कहाँ बैठते हैं अंडों पे, ये खाने के भूखे नंगे भूखे बाहर आते हैं। गाइस, मैं इतना खिलाता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद बर्बाद हो गया खिला खिला के इन्हें। ये कोई वो सही होता है कि टुकड़ी लाओ उड़ाओ और बेच दो शौक के हिसाब से, ये इनको पालना इतना आसान नहीं होता। गाइस, पता है आपको, मैं 350-300 रुपये का दाना लेके आना पड़ता है मुझे, हर 15-20 दिन में लाना पड़ता है। बताओ, ये इतना इतना खा जाते हैं आपसे ही नहीं तो। इनको मैं भरपेट खिलाता हूँ, मगर कोई मेरा फायदा भी तो हो, बच्चे भी तो निकले, मगर ये लोग बच्चे निकलने नहीं देंगे, अंडे खराब कर देंगे। बैठता नहीं है इनमें से कोई भी नहीं बैठता, और ये देखो नासूर खड़े पड़े दोनों के दोनों। अरे इनसे अच्छी तो ये है, जिसके बच्चे नहीं चाहिए वो बच्चे देखो माशाल्लाह नजर न लगे, मगर वो बैठी भी है। चलो कोई बात नहीं, उसके ही सही कोई नहीं, ले लेंगे उन्हीं के हरे बच्चे ही ले लेंगे। कमोखा तुम तो बैठ जाते हैं, तुम्हारी तो उम्मीद लगा रखी है जंगले के बच्चे, जंगले के अंडे ट्रांसफर करें गाइस मैंने इनके नीचे, और इसके अंडे करें इसके नीचे, भैंसिया की भैंस भी नहीं बैठ रही है ये इसके नीचे करें, चूंकि इसके अंडे तो ये अभी देगी नहीं, छोटी है अभी कबूतरी, तो मैंने कहा इसके नीचे कर दो, बाकी इनके अंडे तो लूंगा, इनके भी लूंगा, इनके भी लूंगा, इनके भी लूंगा, इनके भी लूंगा, तो मैंने इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया। मैं चलते रहता जरूरी देंगे, तो बच्ची है कोई नहीं, अंडो बैठ तू, सीख पहले अंडो बैठना, बाद में दियो अंडे। मगर ये देखो गाइस, इन्होंने मेरी गजब बेइज्जती कर रखी है, बैठता ही नहीं है। चलो निकलो, मनुसो बाहर निकलो, तुम लोग, तुम लोग को अकल ही नहीं है अंडो पे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, बदतमीज हो गए तुम लोग, गजब बेइज्जती कराते हो बस। तो अंडों की तो इन्होंने ऐसी ऐसी की तैसी कर रखी है, बिल्कुल ऐसी कम तैसी। तो गाइस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कबूतरी, कबूतरी है गाइस, मैं कबूतरी लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है कबूतरी की नीड है मुझे, तो मैं कबूतरी ही लेके आया हूँ। हाय देखिए कहाँ गई कबूतरी, गाइस कबूतरी देखो हिल जाओगे आप लोग, और यकीन नहीं मानता तो मैं इतने में इतनी अच्छी कबूतरी लेके आऊँ। ये देखो ये देख रहे हो गाइस, कबूतरी की बैठक देख रहे हो, चटकीली कबूतरी है, एकदम फुर्ती वाली कबूतरी है, बढ़िया गजब, और कितने रुपए की, मात्र सिर्फ मात्र 300 रुपए की कबूतरी है गाइस, यकीन नहीं मान पाओगे ना गाइस, मैं अभी यकीन नहीं मान पा रहा था। वो इसलिए गाइस, पता है जब इसको लेने जा रहे थे ना, मतलब कि हम जब मैंने पूछा था ना किसी से, राहुल भैया हैं जो आप जानते होंगे उनको, पहले मैंने दिखाया भी था वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं पिछली वीडियो नए कबूतरों के साथ। तो गाइस पता है क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं, हाँ कबूतर पड़े हुए हैं, उन्होंने बात उत की, तो ढूंढने से ही कबूतर मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, उनके ग्रुप में बहुत सारे कबूतरबाज हैं। तो गाइस फाइनली कबूतरी की बात करी तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये, बट मैंने कहा नहीं मेरे पास इतने नहीं है, मैंने कहा लास्ट 300 रुपये दाने के बचे थे गाइस, मैंने दाने के लिए इकट्ठे कर रहा था, बट मैंने कोई बात नहीं, मैं कहा चलो कोई नहीं, दाना तो पापा से बोल दूंगा मिलाने के लिए, मगर मैंने कहा कबूतरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा जग काला जोगिया ये देखो गाइस अकेला है, तो मैंने कहा इसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने गाइस फटाफट से कर दिया, मैं कहा चलो ले लो भैया ले लो, मिलती नहीं है कबूतरी जल्दी जल्दी, और 300 रुपये में कोई बुरी नहीं है। तो गाइस एक कबूतरी और मिल रही है इसके लिए, सेम इसकी तरह ही है, और 200 रुपये की, मात्र 200 रुपये की गाइस, मगर मेरे पास पैसे नहीं है 200 रुपये, वरना मैं कसम से ले आता और आपको दिखाता। कोई नहीं, मैं उस पर डाल दूंगा कॉमेंट, कम्युनिटी होती है ना, उस पर फोटो डालूंगा गाइस, देखना आपको 200 रुपये में क्या बुरी है गाइस, देखना जरूर कम्युनिटी में, मैं डालूंगा जरूर गाइस, 200 रुपये कोई बुरी नहीं है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है गाइस, बताओ मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ अभी, मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, अभी मुझे पता है कि इसके चलो जोगे के लिए हो गई जोड़ा फिक्स हो गया, अभी 1, 2 और ये 3, ये 4, 5 और वो झैदर वाली जंगला 6 कबूतर अभी भी बचते हैं गाइस, बताओ 6 कबूतरों के लिए कबूतरी लेके आनी है 6 की 6, अगर इसकी मिल जाती ना 200 रुपए वाली तो गाइस काम बन जाता, बट गाइस आपको सही बता रही है कबूतरी कैसी है, कमेंट में बताना जरूर गाइस, ठीक है,
तो मैं इनको खोलूंगा नहीं अभी क्योंकि ये जोड़े वाले खुले हुए हैं, फिर ये बंद नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको अंदर ही दिखा दिया। खोलूंगा ना तो गाइस पता है गजब ढा देते हैं ये लोग मेरे पे, फिर क्या करेंगे जब बंद करने का टाइम है। आज जुमा है गाइस, सबको जुमा मुबारक हो। तो गाइस आज जुमे का दिन है, मैं काफी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तीन जुमे निकल गए, मैंने नमाज पढ़ने नहीं गया क्योंकि तीनों जुमे में मैं बीमार था। चलो एक नहीं सॉरी दो जुमे बीमार था और एक जुमे में मैं ठीक था, मगर गया नहीं था। ओ नो, ये अंडा किन्ने फेंक दिया। ओ शिट यार, ये देखो अंडा कहाँ पड़ा हुआ, तोड़ी डाला अंडे को, किस मनुष्य ने अंडा फेंका ये बाहर। ओ शिट यार, ये पक्का किसी, क्या बोलूं मैं, किसने फेंका होगा ये। ओ लो, उसने फेंक दिया लाल का अंडा, वो सॉरी हाँ लाल का अंडा फेंका है, इसका अंडा फेंक दिया गाइस, इनका अंडा दोनों का, ये इनने फेंका है, कमजोर कली ने ये, इसने ये इसने फेंका कल्लो ने, ये इसके नीचे मैंने इसका अंडा रखा तोड़ ही डाला। ये देखो गाइस, तोड़ दिया अंडे को, देखो आगे पीछे दोनों साइड तोड़ दिया। बताओ गाइस ये करेंगे तो मैं कैसे चला पाऊंगा कबूतरबाजी, मुझे समझ ही नहीं आता ये करेंगे क्या आगे, किस्मत में अपनी रोएंगे पिटेंगे, क्या करना है इनका, क्या करना चाहिए इनका, बताओ गाइस। मैं खुद परेशान हूँ इन लोगों से, मैं करूँ तो करूँ क्या, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कौन से जोड़े वाले लाऊं जो ये बच्चा निकाल सके। अंडा टूट गया गाइस, उसके अंदर से ना वो निकल ली जर्दी इसकी, तो मैं इसको फेंक देता हूँ, मैंने फेंक दिया, गया वो काम से अंडा। बताओ यार ये लोग ऐसा करते हैं गाइस मेरे साथ, कबूतर ढंग के नहीं है ये, पहले वाले कबूतर था गाइस जोड़े वाले मैंने पाल रखे थे ना, एक नंबर कबूतर है, टस से मस नहीं होने देते थे अपने अंडों को, ऐसे बिठा के रखते थे कुछ सेक के बढ़िया तरीके से, मगर ये तो और ही टाइप के कबूतर ने ना, फर्जी नहीं तो मिट्टी खिलवा लो इनसे, मोटियों से मिट्टी खिलवा लो इन मोटियों से, बैठना नहीं बोलेंगे बैठने के लिए कि बैठ जाए हम जाके सुकून से। सो गाइस अगर आपको कबूतरी आद की अच्छी लगी हो ना तो गाइस प्लीज़ उसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और प्यारे से कमेंट कर देना गाइस कैसी लगी कबूतरी, और 300 रुपये में बुरी है या फिर सही है कि नहीं है सही ये जरूर बताना। कबूतरी में कोई दिक्कत नहीं है, परकटी कबूतरी है कैच पे, चूंकि जिस भाई से लाए हूँ ना मैं, उनका ये कहना था कि वो उनके पास ना सारे टोटल मद्रासी है। अब गाइस कहते नहीं, जिनका इंटरेस्ट जिसके अंदर है तो वो तो मन उन्हीं में लगेगा, और उनका मन है मद्रासियों के अंदर, उनको मद्रासी कोई सा भी दे दो और गोला कितना भी सुंदर कितना महंगा हो वो तुरंत दे देंगे उसको देख के। तो गाइस ऐसा उनका सीन शॉट है, तो गाइस मैं उनको पैसों की नीड थी, इस चक्कर में गाइस उनको पैसे को देना थे और उनको लेना थे पैसे, तो मैंने कहा चलो मेरे पास तो मद्रासी कोई है नहीं जो मैं दूं, बट मेरे को पैसे हैं आप पैसे ले लो, कभी मद्रासी आएगा तो आप बदली में कबूतर कोई दे देना गोला, मैं मद्रासी दे दूंगा। तो गाइस ऐसा सीन शॉट है, उनको कोई भी मद्रासी दे दूंगा और कोई भी गोला ले लो, तो ऐसा पकड़ते हैं तो गोले दे देते हैं। उन्होंने पकड़ी भी कबूतरी है, उन्होंने कहा कि कैची मार देता हूँ, पकड़ी भी कबूतरी है भाग भूग जाएगी, तो उससे बड़े मैं किसी को दे ही दूंगा। और बाकी मैं नसीब की बात होती है, कहाँ से कहाँ नसीब ले जाता है गाइस, तो बाकी तो ये कबूतरी है इसके पर काटे देखो मेरे पास आ गई, वहाँ अपना एक अंडा छोड़ के आई, एक अंडा और देगी वो फेंक दूंगा, चूंकि मद्रासी का अंडा है वो कबूतर मद्रासी था, मैं इसका लगाऊंगा जोगिये से। तो गाइस इसका पेयर बना के तो मैं आपको क्लियर उसमें दिखाऊंगा शॉर्ट में, देखना आप लोग कैसा लग रहा है, और अभी इस वीडियो में कमेंट कर देना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस।